अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ब्रेव हार्ट यानी कि विलियम वालेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि स्कॉटलैंड का कमांडर रहा 1297 से 1305 तक, और फर्स्ट वार ऑफ स्कॉटिश इंडिपेंडेंस जो है उसने स्टार्ट की थी, एक्शन एट लानक, रेड ऑन स्कोन, बैटल ऑफ स्टर्लिंग ब्रिज, बैटल ऑफ फॉलक्रिक, बैटल ऑफ हैप्रियो, और इसके साथ ही अलॉन्ग विद एंड्री मॉरे वालेंस डिफीटेड एन इंग्लिश आर्मी एट द बैटल ऑफ स्टर्लिंग ब्रिज इन सितंबर 1297। ही वाज अपॉइंटेड गार्डियन ऑफ स्कॉटलैंड एंड सर्व्ड अंटिल हिज डिफीट एट द बैटल ऑफ फॉलक्रिक इन जुलाई 1298। इन अगस्त 1305 वालेंस वाज कैप्चर्ड इन रब रॉयस्टन near Glasgow and handed over to King Edward I of England, who had him hanged, drawn and quartered for high treason and crime against English civilian. ये किंग एडवर्ड वन आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ जब ये जंग करने के लिए इसने भेजा तो वो जो क्लैन था आयरलैंड क्लैन, वो भी इनके साथ, यानी कि वो कबीला भी इनके साथ मिल गया, लेकिन ये जंग भी वो हार चुका था, क्योंकि जिससे उसने मदद मांगी थी स्कॉटलैंड के अंदर, उसने उस जो है ना अंग्रेज़ों का साथ किया, उसका फादर जो है वो क्योंकि कबीले का कुछ सरदार था, और उसने इसके फादर ने ये जब उसके बाद आया, उसने देखा तो उसको बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ कि मैंने उसका साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर उसकी फ़ौज भी इसके साथ विलियम वालेस के साथ मिल जाती है तो यकीनन ये जंग जीत सकता था। तो इसके बाद उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद विलियम वालेस जो है उन सबसे बदला लेने के लिए जाता है, जो जानबूझकर उसको जंग हरवाने में पेश थे, वो जंग के मैदान में पहुंच के, तो ये सब लोग जो बैठे आपको नज़र आ रहे हैं, ये जंग के मैदान में पहुंच के खड़े होकर तमाशा देखते रहे, वो लड़ता रहा और देखता रहा कि कब ये आके उसको ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत नुकसान हुआ। तो उसके बाद फिर वो डिसार्ट हो जाता है ये इस शख्स की वजह से। ये ऑलरेडी इसका फादर था और ये ऑलरेडी ताउन का शिकार था, देखिए इसकी, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। तो बहरहाल इसके बाद ये सबसे दर्दनाक जो फिल्म का सीन भी है, और हकीकत कितनी तकलीफ दे रही होगी हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें, इसको पहले ये हैंग किया गया, फांसी दी जाती है, इस तरह से रस्सियों के साथ इसको खींचा गया, पहले फांसी दी गई, उसके बाद फिर खींचा गया उसकी टांगें और बाजुओं को पकड़ के, ये देखें बुरी तरह से खींचा जा रहा है, सब लोग उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे, और इस कदर तकलीफ दे था ये सीन के बस मैं तो उस पर कुछ भी नहीं कह सकी। मैं काफ़ी देर उधर बैठ के देखती रही कि ये देखें अंग्रेज़ जो हैं वो भी अपने खिलाफ खड़े हो जाने वाले को माफ़ नहीं करते और उससे बदतरीन सलूक करते हैं। ये देखें, इसको इस तरह से पहले फांसी दी गई, फिर इसको खींचा गया, उसके बाद अब इसको बांधा जाएगा उसके बाजुओं को, और इससे भी दर्दनाक मंजर जो है वो नाकाबले बयान भी है और बहुत ही तकलीफ दे भी है। इसको यहाँ से इसके प्राइवेट पार्ट्स को काटा जाता है, और ये किस कदर तकलीफ दे अजियतनाक ये मंजर होगा। तो उससे आखिर में ये लफ्ज़ पूछा जाता है कि तुम क्या कहना चाहते हो अभी भी, तो वो एक ही लफ्ज़ कहता है, फ्रीडम, आज़ादी हमें चाहिए आप लोगों से। सब लोग
जो पहले तमाशबीन होते हैं खामोश, फिर वो कहते हैं कि रहम किया जाए, मर्सी, रहम किया जाए, रहम किया, कब इसमें रहम कहाँ किया जाए, इतना जुल्म किया जा रहा है उसके ऊपर। वो कहता है कुछ कहना चाहते हो, तो फिर वो यही लफ्ज़ कहता है, फ्रीडम, बस आज़ादी। और ये किंग एडवर्ड जो है वो उसको मरने वाला होता है बिल्कुल, लेकिन वो कहता है कि मुझे आखिरी लफ्ज़ जो मैं सुनूँ अपने मरने से पहले वो उसकी मौत की आवाज़ होनी चाहिए कि वो मर चुका है या उसको मार दिया गया। ये जो बहू किंग एडवर्ड की है, होने वाली मलका भी कह सकते हैं, तो उसने भी पूरी कोशिश की किसी तरह से कि उसको छोड़ दिया जाए, विलियम वॉलेस को ना मारा जाए, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। बस ये आखिरी लफ्ज़ वो कहता है, फ्रीडम, आज़ादी हमें चाहिए। इन सबको बहुत तकलीफ होती है कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको ख़त्म करने की, तो ये फिर आज़ादी की आवाज़ लगा रहा है, लेकिन ये बहुत ही तकलीफ का मंजर था। इसके बाद इसको इसके जिस्म के टुकड़े कर दिए जाते हैं, और टुकड़े कहते हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों में भिजवाए गए थे। ये इसका सर जो है इसके तन से जुदा किया गया, फिर इसके बाजू अलग किए गए, इसकी टांगें अलग की गई, और बस ये उसकी जो इसकी बीवी थी डेथ हो चुकी थी, फिर आखिरी वक्त में उसको ये नज़र आ रही थी। ये बहुत ही तकलीफ दे मंजर था, ना काबिले बयान। और बस उसके हाथ में वो रुमाल था जो उसने की बीवी ने उसको दिया होता है, और बस वो उसके हाथ से छूट के गिर जाता है। बस ऐसे तकलीफ दे देखने में है बहुत ही, लेकिन वो एक दलेर शख्स था, एक बहादुर नौजवान, आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वाला, और उसने आज़ादी दिलवाई उसकी इस कुर्बानी से। स्कॉटलैंड आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों के तसल्लुत से, लेकिन उसके बाद फिर स्कॉटलैंड ने उनके साथ शामिल होने का फ़ैसला किया। अब जो है स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, लेकिन एटलीस्ट वो आज़ाद हो चुका था। सही आपको नज़र आ रहा है कि वो इस तरह जिस्म के टुकड़े कर दिए गए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।